हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप सबका स्वागत है जुरासिक वर्ल्ड का एक और नया एपिसोड में। एंड गाइस, जैसे आप लोगों ने देखा था पिछले एपिसोड से, हम लोग मतलब खेल रहे थे शेक द अर्थ वीआईपी वाला। एंड उसमें हम लोग टॉप 5 में नंबर शायद 90 में पहुंचे थे। एंड आज भी हम लोग वही बैटल कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड फिलहाल आज देखते हैं कि हम लोग बैटल जीत के हम लोग आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं, वो तो आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। शुरू करने से पहले जो कॉइन्स वगैरह है सब कलेक्ट कर लेते, उसके बाद जाके बैटल शुरू कर लेते। हम लोग लास्ट टाइम पे पहुंचे थे अराउंड 96 पे, रैंक 5 का 96 नंबर पे। तो आज ही बैटल लेंगे एंड देखेंगे कि आज हम लोग जीत पाएंगे कि नहीं। हम लोग के पास फिलहाल तो ज़्यादा डाइनोस है नहीं, सबका मतलब पेट ही बन जाता। सो हम अभी कर क्या सकते हैं, वो सोच रहे हम करें तो करें क्या। हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग लो लेवल का डाइनो लेके जाएंगे, उसके बाद एक जो है हाई लेवल का डाइनो लेके जाके हम लोग बैटल ले लेते हैं। फिलहाल हम वाटर टाइप लेते हैं एंड लेट्स सी कि हम लोग को ओपोनेंट कैसा मिलता है। अगर अच्छा ओपोनेंट मिला तो नेक्स्ट टाइम से हम सब लेजेंडरी डाइनोस लेंगे। सो लेट्स सी, हम लोग का जो वाटर टाइप है वो काफ़ी अच्छा है। सो हम वो बैटल को होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। पर उसका डाइनो कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं निकला क्या? इसका डायनो भी बहुत अच्छा अच्छा मतलब इसका लेवल का नहीं, मतलब उसका डैमेज और एचपी काफ़ी अच्छी है। तो लेट्स सी हम इसमें कर क्या सकते हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे एकदम अपना बेस्ट देने के लिए। सो लेट्स सी, इसने डायनो स्वाइप कर देता एंड एक फटके मार के मेरा डायनो का पेट ही बना देता। नाइस वन, ये कर लो भाई तुम पहले। सो फिलहाल हम पॉइंट्स को होल्ड कर लेते हैं, फिलहाल मारते नहीं है। तो मे बी पॉइंट होल्ड करके मे बी कुछ कर पाए, वो हम अभी बोल नहीं सकते। तो फिलहाल तो पॉइंट होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं जितना हो सके बैटल को जीतने के लिए। सो लेट्स सी, अभी इसके पास दो पॉइंट ये करेगा क्या? इसने दो फटके मार देता है मेरा डाइनो का पेट ही बना देता। इसका फ्लाइंग टाइप आने से मुझे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। सो अभी फ़िलहाल हम 1 2 3 1 2 3 हियर वी गो। अभी जो है इसका फर्स्ट वाला डाइनो का पेटी बना देते हैं। तीन शील्ड में दिया है तो इसका नेक्स्ट ग्रास टाइप है, पता नहीं ये कुछ करेगा कि नहीं, पर लेट्स सी। इसके पास भी तीन पॉइंट है, शायद ये डाइनो फ्लैप करके दो फटके मार दे, वो चांसेस रह सकता है, पर देख लेंगे। मतलब इसका जो फ्लाइंग टाइप, इसने तीन फटके मार देता, ये कर लो भाई तुम कर लो। इसका जो फ्लाइंग टाइप है उसका जो डैमेज है वो काफ़ी ओपी है। सो हम तीन शील्ड में देखिए एक पॉइंट को होल्ड करते हैं, वैसे अपना पॉइंट को होल्ड कर करके थोड़ा ज़्यादा बना लेते हैं, उसके बाद जाके ही कुछ कर लेंगे। सो लेट्स सी अभी नेक्स्ट चेक करता क्या है। इसने चार फटके मार दी एंड मेरा जो डाइनो है उसका, इसे सब पॉइंट यूज़ कर लिया। सो हम अभी 1 2 2 पॉइंट हो जाता, 2 3 1 2 हियर वी गो। शायद इसका सेकेंड लाइन आने से मेरा पेटी बन जाएगा फिर से। अभी लास्ट इसका फ्लाइंग टाइप डाइनो, इसका डाइनो का मतलब काफ़ी अच्छा है, तो दो फटके पड़ेंगे तो ओबियसली मरेंगे। सो लेट्स सी ये करता क्या है, जस्ट होप करते कि ये ना मारे, उसके बाद हम मार पाए। पर इसने मार देता दो फटके एंड मेरा जो डाइनो है उसका पेटी बन जाता है एंड हम लोग फर्स्ट मैच ही बहुत बुरी तरह से हार गए। फिर नेक्स्ट मैच देखते हैं हम उसमें कुछ कर सकते हैं कि नहीं, पर 96 से आगे बढ़ेगा कि नहीं वो भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, ये फ्री में हम ले सकते हैं। लेट्स टेक दिस वन एंड ये वाटर टाइप ले लेते, उसके बाद बैटर लेके देखते हैं कि हम लोग कुछ कर पाते हैं कि नहीं। सो लेट्स सी, अभी हम लोग का मतलब जो वाटर टाइप एंड जो ग्रास टाइप है उसका एचपी काफ़ी अच्छा है एंड डैमेज भी काफ़ी अच्छा है। तो लेट्स सी अभी हम कुछ कर पाते हैं कि नहीं। तो फिलहाल तो हम पॉइंट्स को होल्ड कर लेते हैं एंड लास्ट में जाके मारते हैं। अभी फ़िलहाल हम पॉइंट बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, इसको मारने से भी हम सिर्फ पॉइंट्स को होल्ड ही करके रखेंगे एंड लास्ट में जाके कुछ हो सकता है तो कर लेंगे, नहीं तो लेट्स सी। इसका दो खतरे से तो मेरा शायद डायनो चला जाएगा, लग तो वैसे ही रहा है। सो लेट्स सी, दो फटके मारा एंड मेरा फर्स्ट जो डाइनो है उसका पेटी बन जाता, ये कर लो भाई तुम पहले। ओके, हियर वी गो।
फिलहाल होल्ड कर लेते, इसका दो फटके से कुछ होगा नहीं, सो फिलहाल होल्ड कर लेते, पहले मारेंगे नहीं। लास्ट मैच पे मारने का चक्कर पे हम लोग का बहुत गंदी तरीके से पेटी बनी थी, तो फिलहाल वो चीज़ करेंगे नहीं। 1 2 1 2 3 4 फिलहाल जितना हो सके पॉइंट्स को होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके पास 4 पॉइंट हो जाता, लेट्स सी ये करेगा क्या। शायद मे भी डाइनो स्वाइप कर दे, चांसेस है काफ़ी ज़्यादा डाइनो स्वाइप करने का। ओके लेट्स सी, डाइनो स्वाइप कर देता इसने, इसके बाद इसका जो चार उसने 2 पॉइंट मार देता। ओ भाई मारो मुझे मारो, तो हम ये डाइनो को स्वाइप कर लेते हैं एंड 1 2 3 1 2 3 4। मेरा वाटर टाइप मतलब इसका फ्लाइंग टाइप है तो उसमें इतना काम आएगा नहीं, तो फिलहाल के लिए हम वाटर टाइप को बेट बना के देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट इसका 5 पॉइंट है, लेट्स सी ये 5 पॉइंट ढालता कहाँ पे यूज़ करता है, उसके हिसाब से हम भी कुछ कर पाएंगे। अगर इसने 5 फटके ही मार दे तो मेरा डाइनो का फर्स्ट में पेटी बन जाएगा। इसने सिर्फ 2 फटके मारे एंड मेरा डाइनो गया नहीं, ये अच्छी बात है। ओके रिको 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4, इसने शायद शील्ड में दिया होगा, इसने 3 पॉइंट शील्ड में दिया था तो हम कुछ कर नहीं पाए। इसके पास 4 पॉइंट है, लग से ये 4 पॉइंट तक क्या है। ओके लेट्स गो बॉय, इसे 1 फटके मार दी तो शायद 3 शील्ड पे हो, सो हम वो बोल नहीं पाएंगे। लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 एंड हियर वी गो, इसका जो डाइनो है वो भी गया नहीं, इसका 1 पॉइंट से ये बच जाता। इसके पास उसने होल्ड किया हुआ था, इसके पास 5 पॉइंट से अगर ये मुझे मार आते थे 2 पॉइंट्स लगे और रेस्ट कुछ तो हो। लेट्स सी ये 5 पॉइंट्स कहाँ पे ये करता है। इसने 3 पॉइंट मारा, 1 2 1 2 3 4, हम 4 पॉइंट होल्ड में देके 2 मारते, इसने शील्ड में लगा दिया था तो फिर से इसका डाइनो बच जाता। अभी लेट्स सी इसने 4 पॉइंट से करता क्या है, क्योंकि हमें बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा नहीं तो डाइनो बहुत गंदी तरीके से हम लोग का पेटी बना देगा। सो फिलहाल तो हम एकदम ध्यान से खेलते हैं। इसने 2 पॉइंट मारा, ये कर लो भाई तुम पहले 2 पॉइंट मारे तो 2 शील्ड में दिया होगा, हम रिक्स नहीं लेते। 3 शील्ड में लगा के 1 फटका मार के देख लेते हैं, इसने 1 शील्ड में दिया था, शायद 2 पॉइंट होल पे हो, सो 1 पॉइंट होल पे था। तो लेट्स सी अभी होता क्या है, ये मैच काफ़ी लंबा खींच जा रहा है, कर ले जल्दी कुछ तो कर ले। एंड यहाँ पे अगर इसने 5 फटके मार दिया तो मेरा भाई ने गया नहीं। ओके नाइस मैन, 1 1 2 3, हम 4 3 पॉइंट शील्ड में लगा देते हैं, लगता है कि मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे शायद मरे, पर इसका 4 फटके अगर ये मारा तो शायद मरने का चांसेस काफ़ी लो है। सो लेट्स सी अभी ये करता क्या, इसने 4 फटके मार दिए, शायद मेरा डाइनो जाएगा नहीं, थोड़ा सा एफपी से बच जाएगा एंड हम 4 फटके मार के ये मैच शायद हम लोग निकल पाएंगे, इसका डाइनो का पेटी बन जाता एंड हम लोग यहाँ पे जीत चुके हैं। काफ़ी मुश्किल था मैच पर एट द एंड हम लोग जीत गए, ये काफ़ी अच्छी बात है, ये सही है। हम लोग अभी टॉप 5 में है तो कौन से नंबर पे पहुँचते हैं, लेट्स सी। हम लोग का जो पॉइंट है 303 हो जाता, हम लोग टॉप 5 का नंबर 87 में पहुँच गए, ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। हम लोग सेकेंड मैच जो है हम लोग निकल पाए, क्योंकि फर्स्ट मैच जो था हम लोग बहुत बुरी तरह से हारे थे, तो कोई ना अभी और एक बैटल ले लेते हैं। इसमें हम ये वाटर टाइप को यूज़ करते हैं एंड 2 कार्निवरस जो है ये फ्री में यूज़ कर सकता हूँ क्या, वो इसमें 60 हम ये लेते हैं। हम जो ग्रीन मनी है ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, फिलहाल इसको करने देते हैं एंड लेट्स सी अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं।
लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके पास कार्निवरस ग्रास टाइप काफ़ी अच्छा है, पर इसका एचपी जो है देख के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लग रही है हमें, तो इसलिए हम जितना हो सके पहले पॉइंट को होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद जाके मारने का कोशिश कर लेंगे, क्योंकि इसका एचपी जो है ना इतना ओपी है भाई, हमें भी ऐसा डाइनो चाहिए, मुझे भी, मुझे मिलता ही नहीं है, इससे फायद कर देता है। ये कर लो भाई तुम पहले। ओके नाइस वन। इसमें हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, हम इसको फाइट कर देंगे, उसके बाद जाके जो पॉइंट्स है उसको होल्ड कर देते हैं, क्योंकि वाटर इसका कार्निवोरस है, सो वाटर टाइप मुझे चाहिए होगा, उसके लिए काफ़ी अच्छा एचपी बन जाता है। सो लेट्स सी फिलहाल ये करता क्या है, इसने फिर से कार्निवोरस स्वाइप कर देता है, एंड इसका शायद एक फटके में मेरा डाइनो का पीडी बन जाएगा, और फिलहाल उसने मारा नहीं। 1 2 3 4 उसने 4 को होल्ड कर दिया, हम भी 4 पॉइंट को होल्ड करके मार लेते हैं। अभी शायद इसके पास 3 पॉइंट है, तो लेट्स सी ये 3 पॉइंट में करता क्या, इसका एक फटके से तो मैं मरूंगी, वो बहुत सीधी सी बात है, पर इसने 3 फटके ही मार देता। नाइस वन। अभी मुझे इसके मारने के लिए शायद मेरा जो 4 पॉइंट है उससे वो मर जाए। 3 4 1 2 3 4 एंड हियर वी गो। इसका जो इसका भी एक डाइनो डाउन हो गया है, मेरा भी एक डाइनो डाउन हो चुका है। इसका जो ग्रास टाइप है उसका जो डैमेज है वो काफ़ी ओपी है। सो लेट्स इसके पास 4 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट पे करता क्या है, इसने 3 फटके मार दिए, तो शायद इसने एक होल्ड पे दिया होगा, एक शील्ड देने का चांसेस है इसका। सो हम 1 2 3 4 1 2 1 2 हियर वी गो। इसको 4 फटके दे देते हैं, एंड इसका जो डाइनो है सेकेंड वाला वो भी डाउन हो चुका है, इसका भी एक डाइनो है, मेरा भी एक डाइनो है, तो इसके पास 5 पॉइंट है, शायद 5 पॉइंट पे 3 फटके लगे तो पीटी बन जाए, मैंने शायद यहाँ पर गलती कर दी, बन जाता है, तो इसने 5 फटके मार दी तो मेरा जो डाइनो है उसका पीटी बन जाता, पर इसने मारा नहीं, ये काफ़ी अच्छी बात है। 5 में से इसने अगर 5 फटके मारे तो हम देख 6 पॉइंट एक बार में मार के देखते हैं। एंड यहाँ पे जो है इसका जो आखिरी डाइनो है उसका भी पीटी बन गया है, एंड यहाँ पे हम लोग जो बैटल है जीत चुके हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। ये भी बैटल काफ़ी डिफिकल्ट था, क्योंकि उसका जो डाइनो का जो एचपी था वो बहुत ज़्यादा था, फिर भी हम लोग ने ये बैटल निकाल लिया, ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड हम लोग यहाँ पे जो है बैटल जीत चुके हैं, एंड हम लोग अभी कौन से इसमें पहुँचेंगे, 575 पे, टॉप 25 पे, ये अच्छी बात है, ये कर लो। तो हम आज का जो बैटल है वो यहाँ पे रख लेते हैं, एंड जो डाइनोस है वो डाइनोस को फिलहाल इवॉल्व वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मैच में डाइनोस का काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, तो ये जो है इसको इवॉल्व कर लेते हैं। एंड हम लोग कुछ डाइनोस को शायद हैच वगैरह तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास अभी इतना अच्छा कोई डाइनोस है नहीं जिसको हैच करने के लिए, नॉर्मल सा डाइनो है, तो इसको हैच करने के लिए रख लेते हैं। एंड आराम आराम से ऑफलाइन में जो डाइनोस को हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं या मतलब हाइब्रिड बना सकते हैं वो कर लेंगे, ताकि हम लोग का जो मैच है ये 4 डेज का मैच में हम लोग जितना हो सके आगे बढ़ पाए एंड हम लोग बैटल जीत पाए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और ये भी बताना कि आज का जो बैटल्स था वो आपको कैसा लगा। फर्स्ट ही बैटल जो था हम लोग बहुत बुरी तरह से हारे, पर नेक्स्ट दो बैटल हम लोग ने लिया वो बैटल काफ़ी मुश्किल था, पर फिर भी हम लोग लास्ट में जीत गए। वो बैटल्स कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते अगले वीडियो में, तभी तक ले बाय बाय, टेक केयर।